अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बर्रा और उसके साथ बनाएंगे चपाती रोटी या रुमाली रोटी, आप जो भी कहिए। चलिए शुरू करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरा, ये काजू हैं, 20 से 25 काजू हैं मेरे, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला, ये विनेगर है, फ्रेश घर की मलाई है और ये 15 से 20 हरी मिर्च है और ये मेरी प्याज का पेस्ट है जो हमने इसको उबाल ली थी इसका, ताकि जो है जो झाड़ होती है वो निकल जाए, और हरा धनिया है ये, इसका अब हम पेस्ट बनाएंगे, काजू हरी मिर्च और हरा धनिया का। 1 किलो ये मेरा चिकन है, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम पेस्ट पीसेंगे, काजू को हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हम इसमें दही बताना भूल गए थे, ये एक प्याली मेरी दही है, पाव भर से थोड़ा कम है। अब ये प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चे, गरम मसाला और ये थोड़ा सा विनेगर। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था हरी मिर्चों का, हरा धनिया का, ये अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसी के साथ ही हम ये मलाई भी डाल देंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे से 2 घंटे भी रख सकते हैं इसको। ये 3 कप मेरा आटा है और 1 कप मैदा है, इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे। और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। थोड़ा सी पानी लगा लगा के इसको हम गूंथेंगे। आटे को भी हमने छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए, अब इसमें हम रुक के और गूंदन देंगे। इसमें थोड़ा हम ऑयल डालेंगे। चिकन हमने जो मैरिनेट के लिए रखा था उसका आधा घंटा हो गया है, अब हम ये बोटियां इसमें फ्राई करेंगे।
चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, जो चिकन की ग्रेवी थी ये हम इसमें डालेंगे। मसाले में तेल बहुत जल्दी आ गया है क्योंकि हमने प्याज को बॉईल कर लिया था, जो उसकी स्मेल होती है वो सब निकल जाती है, तो जो है ज्यादा देर हमें फिर भूनना नहीं पड़ता है मसाले को। अगर आप चाहिए तो ऐसे ही बना सकती हैं। चिकन को हम अभी ग्रिल करें। इस तरह से आप ग्रिल कर लिए। थोड़ी सी मलाई हम और इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें और ऐड करी हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मसाला में मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम चिकन मिक्स करेंगे। जब तक ये धीमी आंच पे पक रहा है हम रोटी बनाते हैं। अब हम बनाएंगे चपाती रोटी, वो भी इस तवे पे। चलिए ये देखिए मेरा कितना सॉफ्ट आटा है।
ये रोटियां बहुत ही इजी हैं, बनाने में कोई कठिन नहीं है। सिर्फ इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है, बस आटा सॉफ्ट होगा तो आपकी रोटियां भी मुलायम होंगी। मेरा चिकन तैयार हो चुका है, इसको अब हम धूनी देंगे। मेरे पास कोयला नहीं था इसलिए हमने दालचीनी लगाई है और ये देसी घी डाला है, इसको हम थोड़ी देर बंद कर देंगे। तो चिकन भरना मेरा रेडी हो चुका है और ये देखिए मेरी चपाती रोटी कितनी बड़ी बड़ी है, बहुत ही इजी है बनाने में। ये देखिए मैंने इतनी बनाई रोटियाँ, देखिए सब अच्छी है। और चिकन भरना हमने बोनलेस में बनाया है, अगर आपको हड्डी वाला पसंद हो तो आप वो भी बना सकती हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।